आज की वीडियो में जुलाई महीने का टूर प्लान गाइड आपको करने वाला हूँ। आप अगर जुलाई महीने में गोवा टूर प्लान कर रहे हो तो आपका प्लान कैसे होना चाहिए। जुलाई महीने जो है ना पीक मॉनसून सीजन होता है, हैवी रेनफॉल की वजह से काफ़ी सारे न्यू प्लेस एक्टिवेट हो जाएगा। आपका होटल स्टे कहाँ होना चाहिए, कैसे आप टूर करोगे, कौन से प्लेस आपको विजिट करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियो में बताया है। इस दौरान बीच साइड के एक्टिविटी, बीच साइड में जो नहाना हो गया, पानी में जाना हो गया, सारे बंद हो जाता है। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी बीच साइड का बंद रहता है। तो इस दौरान आप अगर आ रहे हो तो आपका टूर प्लान कैसे होना चाहिए, कौन सा ऑफबीट प्लेस आपको विजिट करना चाहिए। बहुत सारे ऑफबीट प्लेस होता है, 2-3 वाटरफॉल एक्टिवेट होता है और काफ़ी सारे ट्रैक एक्टिवेट होता है। तो आपका प्लान कैसे होना चाहिए, सारे डिटेल में ये वीडियो में आपको गाइड करने वाला हूँ। ये वीडियो जो है ना सारे लोगों के लिए, आप अगर पैकेज में आ रहे हो तो भी हेल्प करेगा आपको, आप अपने ओन टूर करना चाहते हो तो ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, कंप्लीट देख लीजिएगा। चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिएगा, ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। जो टूरिस्ट गोवा टूर करना चाहते हैं उनको काफ़ी हेल्प होता है, आप लोगों का कमेंट्स भी आता है और काफ़ी सारे मुझे कॉल्स भी आता रहता है। मैं मेरा मोबाइल नंबर शेयर करता रहता हूँ, क्यों शेयर करता हूँ आगे बताऊँगा, बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक टूर प्लान PDF फाइल है, मानसून वाला टूर प्लान PDF फाइल। जो लोग पैकेज में नहीं जाना चाहते हो आप लोगों के लिए एक बढ़िया PDF फाइल बनाया है। ऑर्बिट प्लेस है, फेमस बीच साइट है, एक्टिविटी, फोर्ट, क्रूज, कैसे आप प्लान करोगे ये PDF फाइल में आपको मिलेगा। जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको प्लान करने में हेल्प करेगा। बाकी वीडियो देखिएगा, आपका पूरा गाइड करूँगा कहाँ पे स्टे आप करोगे। पहले वेदर कैसा रहेगा आपको डिटेल में बताता हूँ। जुलाई महीने में गोवा का वेदर बहुत ही हैवी रेनफॉल होता है। इस दौरान हैवी रेनफॉल का टाइम होता है। जून के फर्स्ट वीक से ही गोवा में बारिश स्टार्ट हो गया था, पर अभी इतना ज़्यादा बारिश नहीं हो रहा है। हो सकता है जुलाई महीने में हैवी रेनफॉल रहेगा। आप अगर प्लान कर रहे हो ट्राई करना कलंगुट, बागा, कैंडोलिम, ये तीन लोकेशन के आसपास आपका होटल बुक कीजिएगा। अभी इस दौरान आपको होटल मिलेगा। वीकेंड के टाइम पे आ रहे हो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के टाइम पे आपका अगर प्लान है होटल, एडवांस बुक करके आइएगा। ऑन द स्पॉट होटल बहुत महंगा मिलेगा, या फिर जो लोकेशन में आप ढूंढते हो वो नहीं मिलेगा। कलंगुट, बागा पैक चलता है होटल, जो नॉर्मल 1500-2000 में मिलता है वो 3000-3500 तक भी जाता है। आपको ऐसा लग रहा है, काफ़ी सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हम लोग जाएंगे आराम से उधर जाके बुक कर लेंगे क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा है, होटल मिलेगा। वीकेंड के टाइम पे होटल फुल चलता है, काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं, इस दौरान परेशानी झेलना पड़ता है। फैमिली के साथ आ रहे हो तो एडवांस में होटल बुक करके आइएगा। और आप अगर पैकेज लेना चाहते हो ये नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया। ये नंबर इसलिए दे रहा हूँ, स्टेप टू ट्रैवल अभी गोवा टूरिज़्म के साथ रजिस्टर्ड है। प्रॉपर हमारा कलंगुट बीच के पास ऑफिस है, हमारा प्राइवेट कार है। पैकेज में जो इंक्लूड होता है ना पिकअप ड्रॉप, वो पिकअप ड्रॉप हम हमारे प्राइवेट कार से करवाते हैं। आपको पूरा पैकेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे स्टे करोगे, आपका होटल स्टे हो गया, एक्टिविटी हो गया, साइट सीन हो गया, ये सारे पैकेज में आपका इंक्लूड होता है। आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं रहता। आप एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन में उतरते हो, उसके बाद पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा होता है आपको पिकअप ड्रॉप से लेके टूर करवाने का। ये पैकेज वालों के लिए, करना है पैकेज बुक कॉल कर लीजिएगा ये नंबर पे, हमारे स्टाफ आपसे बात करेंगे और आपको पैकेज रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। बाकी ऑफिस का वीडियो तो आप लोग देख रहे हो, है ना। तो अभी बात कर रहे थे आपका होटल स्टे कलंगुट बागा साइड में कीजिएगा। इसका रीज़न मैंने काफ़ी बार बताया है, यहाँ पे आप अगर स्टे करोगे ना, अभी के टाइम पे जितना भी पैकेजेस चलता है, जैसे कि नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा का बस टूर चलता है या फिर कैब, इसका पिकअप ड्रॉप आपको ये लोकेशन से ही मिलेगा। आप अंदर रुकोगे वहाँ से पिकअप ड्रॉप नहीं मिलेगा, फिर आपको आना पड़ेगा पिकअप लोकेशन तक। डिनर क्रूज चलता है, डिनर क्रूज के लिए भी यहाँ से पिकअप ड्रॉप रहेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है आप ये स्टे ये साइड में कीजिएगा। अभी इस दौरान आप अगर वीकडे में प्लान करो मंडे टू थर्सडे, तो 1500-2000 के प्राइस रेंज में मिलेगा। डिपेंड होगा आप कितना बीच साइड में रह रहे हो, कितना प्राइम लोकेशन में होटल सिलेक्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका प्राइस ज़्यादा रहेगा। काफ़ी सारे लोगों का कमेंट होता है, अभी तो 800-1200 रुपये में ऑनलाइन होटल दिखाता है, बहुत सारे वेबसाइट है वहाँ पे इतना सस्ता दिखाता है, आप बोल रहे हो कि 1500-2000 ऐसे क्यों। देखिए मैं जो रेकमेंड आपको करता हूँ, एक स्टैंडर्ड रूम स्टैंडर्ड होटल का मैं रिकमेंडेशन देता हूँ। कोई भी ऐसे तो 800 रुपये में भी आपको होटल मिलेगा। हाइजीन का प्रॉब्लम होगा वहाँ पर, सर्विस आपको नहीं मिलेगा। मानसून के दौरान जैसे कि बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि रूम स्मेल करता है, ये करता है, वो सारे प्रॉब्लम्स आपको सस्ते होटल में फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जो एक स्टैंडर्ड आपको रिकमेंड करता हूँ ताकि आपका स्टे अच्छा होना चाहिए, इसके हिसाब से 1800-2000 तक का जो आप अगर रूम लोगे अभी इस दौरान भी, आपको ये जो हाइजीन और सर्विस का इशू नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। और हमारे साथ पैकेज बुक करोगे तो हमारे पास 3-स्टार होटल है,
स्विमिंग पूल ब्रेकफास्ट इंक्लूड के साथ आपको पैकेज दिया जाएगा। अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी है, आप कॉल कीजिएगा, प्रॉपर्टी के डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी उस दौरान काफ़ी हैवी रेनफॉल रहेगा, तो टूर कैसे करोगे ये एक विस्तार में बात करेंगे, थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, काफ़ी सारे कपल्स बाइक रेंट करके घूमना पसंद करते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको अगर बारिश चलता है यहाँ पे, जुलाई के महीने में हैवी रेनफॉल रहेगा, पूरा दिन दिन बारिश चलेगा, बारिश के दौरान आप अगर रेनकोट लेके बाइक से घूमना पसंद करते हो तो बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है। नहीं तो आप बस टूर कर सकते हो, यहाँ पे एसी बस टूर चलता है, ओनली 400 रुपीज़ पर पर्सन का होता है। इसमें नॉर्थ गोवा के एक दिन होगा और साउथ गोवा के एक दिन, 400-800 रुपये में दो दिन आप आराम से घूम के जा सकते हो। एसी बस होता है, टूर बस, ये नॉर्मल बस नहीं होता है, टूर के लिए एसी बस यूज होता है। बस में आपको टूर करवाते हैं, आपके साथ और भी 30-35 लोग रहेंगे, टूरिस्ट साथ में लेके जाएंगे, कुछ प्लेस आपको घुमाएंगे, एक दो फोर्ट, दो तीन बीच और एक दो एक्टिविटी का ऑप्शन देते हैं। ये टूर पैकेज में, जो बस टूर में आपको बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ आपका प्लेस का जो पिकअप ड्रॉप के साथ बस का चार्जेस इंक्लूड रहेगा, कोई भी प्लेस का एंट्री चार्जेस या फिर कोई भी एक्टिविटी का एंट्री चार्जेस इसमें इंक्लूड नहीं होता है। अगर कोई प्लेस में एंट्री चार्जेस, एग्जांपल दोनापाला बीच, ये साउथ टूर में इंक्लूड है, दोनापाला का जो एंट्री चार्जेस 50 रुपीज़ पर पर्सन का होता है, तो वो एंट्री चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल आप अगर सनसेट क्रूज जाओगे, साउथ गोवा के टूर के दौरान लास्ट में सनसेट क्रूज का ऑप्शन आपको देते हैं, सनसेट क्रूज में जाना है तो 500 रुपये पर पर्सन का होता है। वो गाइड आपको बताता है, बस में हमारा गाइड होता है, गाइड आपको एक्सप्लेन करता रहता है कि अगले जो पॉइंट अपना ये पॉइंट रहेगा वहाँ पे इतना चार्जेस है, आपको अगर जाना है पे करके जाना होता है, नहीं जाना है तो आपको वेट करना पड़ेगा जो भी टाइम वहाँ पर लगेगा। ये सारे इन्फॉर्मेशन ये बस टूर के दौरान देते हैं। जो लोग शेयरिंग पे घूमना चाहते हो ये आपके पास ऑप्शन रहेगा, और जो लोग प्राइवेट घूमना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं, 4 लोग 5 लोग आते हैं, तो आपके पास ऑप्शन से प्राइवेट कार करो, ड्राइवर के साथ आराम से बैठ के आप टूर कर सकते हो, प्लेस टू प्लेस लेके जाएगा, उसका भी नॉर्थ गोवा साउथ गोवा का टूर बनेगा और आराम से आप अपना प्राइवेट कैब से टूर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका प्राइवेट कैब का टूर। अभी मैं आपको बताता हूँ जुलाई महीने में और 2-3 ऑफबीट प्लेस का टूर आपको मिलेगा, इसका प्राइवेट टूर होगा, ये बस टूर नहीं जाता है। बस टूर, अगर एक बस टूर ऑर्गेनाइज होने वाला है जैसे कि फेमस हरवली वाटरफॉल और तामड़ी सुल्ला टेम्पल, ये फॉरेस्ट एरिया के अंदर है, लगभग 50-60 किलोमीटर आपको लेके जाते हैं, इसका टूर बनेगा। अगर बस टूर बनेगा तो इसको आगे आपको अपडेट करूँगा, इसका अपडेट अभी तक आया नहीं। प्राइवेट बिल्कुल कर सकते हो, इसको कस्टमाइज पैकेज करना पड़ेगा, एक दिन का पूरा टूर रहेगा, आपको कलंगुट बागा कैंडोलिम एरिया से हमारा कार पिकअप करेगा, लेके जाएगा हरवेलिम वाटरफॉल। ये जो वाटरफॉल है मॉनसून के दौरान बहुत ही फेमस होता है, बहुत ट्रेंड पे चलता है ये वाटरफॉल, हरवेलिम वाटरफॉल लेके जाएगा। रिटर्न आते वक्त आपको ओल्ड गोवा चर्च, ओल्ड गोवा के 2-3 चर्च आपको घुमाएंगे और लाके कलंगुट में ड्रॉप करेंगे, ये पूरा एक दिन का टूर बचे होगा। इसका क्या प्राइस रहेगा, इसके रिलेटेड आप कॉल कर लीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कौन से टाइम पे आ रहे हो। मैं क्यों कॉल करने के लिए बोल रहा हूँ, देखो अभी तक हरवेली वाटरफॉल में पानी नहीं आया है, जैसे पानी आएगा उसके बाद ही हम लोग वाटरफॉल टूर कराते हैं, क्योंकि आप देखो अराउंड 50 किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे वन साइड, उधर जाने के बाद अगर वहाँ पे पानी नहीं रहेगा आपका टूर वेस्ट होगा, तो इसलिए प्रॉपर ओपन होने के बाद हम लोग सजेस्ट करेंगे और आपको टूर करवाएंगे। टूर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। और एक टूर बनेगा आपका तामड़ी सुल्ला वाटरफॉल और तामड़ी सुल्ला टेम्पल, इसका एक टूर बनेगा, ये लगभग 70 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, इसका पूरा दिन लगेगा। तामड़ी सुल्ला टेम्पल और उसके बगल से छोटा वाटरफॉल गया हुआ है, उसको विजिट कर सकते हो, काफ़ी सारे लोकल्स और टूरिस्ट मॉनसून के दौरान ये टेम्पल विजिट करते हैं। बहुत पुराना टेम्पल है, छोटा सा टेम्पल पर बहुत पुराना और बहुत अच्छा व्यू है, काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे जाते हैं। सो उसका भी हम पैकेज कर सकते हैं, तामड़ी सुल्ला वाटरफॉल, रिटर्न आते वक्त आपको स्पाइस प्लांटेशन का टूर, वहाँ पर लंच करवा के ओल्ड गोवा टूर करके आपको ड्रॉप करेंगे, ये पूरा दिन का पैकेज रहेगा, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक का पूरा टूर रहेगा। ये सारे ऑफबीट प्लेस आपको बता रहा हूँ क्योंकि बीच साइड अभी इस दौरान आपको इतना हैपनिंग नहीं मिलेगा, सारे शैक बंद रहेगा, जो बीच साइड नाइट लाइफ है ये बंद रहेगा, तो ये सारे ऑफबीट प्लेस का आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप अगर जाना चाहते हो कॉल कर लीजिएगा। ये ऑप्शंस हो गया। दूध सागर वाटरफॉल का ट्रैक भी हो सकता है, ओपन हो जाएगा, जैसे ट्रैक ओपन होगा जो लोगों को ट्रैक वगैरह करना रहेगा आपके पास ऑप्शंस रहेगा। इसका बस टूर नहीं चलता, इसको आपको प्राइवेट कार या फिर अपने बाइक से दूध सागर के जीप बुकिंग काउंटर तक जाना पड़ेगा, वहाँ से गाइड हायर करके आपको जाना पड़ेगा। आप अगर हमारे साथ ट्रैक करना चाहते हो तो ये नंबर पे कॉल कीजिएगा, कलंगुट बागा से आपको प्राइवेट कार से पिकअप होगा, वहाँ लेके जाएंगे, वहाँ पे गाइड आपको प्रोवाइड कराएंगे,
और ट्रैक करके आपको रिटर्न लेके आएगा, फिर ड्राइवर आपको लेके ड्रॉप करेगा। ये पूरा दिन का ट्रैक होता है इसमें, और दूसरा कुछ ऑप्शंस नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत लगता है। ट्रैक मैं आपको बता देता हूँ, वन साइड लगभग आपको 11 से 12 किलोमीटर चल के जाना होता है वन साइड, तो आने जाने का लगभग पकड़ के चलिए 22 to 24 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। बच्चों को अलाउड नहीं है, रिकमेंड भी नहीं करूँगा मैं। ओल्ड एज जिनको चलने से प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है, आपको नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपको अंदर कोई भी बैकअप नहीं रहता। आप चल के गए मतलब आपको चल के ही रिटर्न आना पड़ेगा, कोई गाड़ी वगैरह इस दौरान एंट्री नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, दूधसागर वाटरफॉल आप अगर जा रहे हो तो आपको प्रॉपर फिटनेस के साथ ही जाइएगा, क्योंकि 25 किलोमीटर चलना एक दिन में भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। जाते वक्त एक एक्साइटमेंट होता है, आप जाके एंजॉय करके जब रिटर्न आओगे ना तब आपको फील होता है बहुत चल लिया करके, ये फील होता है। क्योंकि ये मैं हर साल ऑलमोस्ट मैं ट्रैक करता हूँ दूधसागर के वाटरफॉल, मेरे वीडियोस आप अगर चेक करोगे 2-3 बार ऑलरेडी मैंने ट्रैक कर चुका है दूधसागर का, तो एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहा हूँ। आप इसको बुक करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा ट्रैक। बाकी हरवले वाटरफॉल, तामड़ीसुला, ये डायरेक्ट गाड़ी जाता है, तो इसको आप फैमिली के साथ भी जाके घूम के आ सकते हो। ये ऑप्शंस आपको ऑफबीट प्लेस का 3 ऑप्शन बता दिया। बाकी बीच साइड में अभी इस दौरान क्या रहेगा बता देता हूँ। बीच साइड में अगर ऐसे अभी मेरे पीछे देख रहे हो मौसम ऐसे खुला खुला रहेगा, अगर ये साइड में देखो कितना सुंदर क्लाउडी है, पूरा खाली है, बारिश आ सकता है क्योंकि मानसून है, कभी भी बारिश आएगा, पर ऐसे खुला खुला रहेगा तो आप आराम से बीच साइड में जा सकते हो। बीच वॉक बोलते हैं ना, ये कर सकते हो शाम के टाइम पे। पानी में आपको जाने नहीं दिया जाएगा, काफ़ी सारे टूरिस्ट जाने के लिए ट्राई करते हैं पर रिक्वेस्ट है, बहुत रिस्क होता है, हाई टाइड चलता है, लहर बहुत तेज़ होता है, बच्चे वगैरह खेलने जाते हैं तो अचानक लहर तेज आएगा और आपको पानी में लेके जाएगा। ध्यान रखिएगा आपको पानी में इस दौरान नहीं जाना है। बीच साइड में चलिए वॉक कर सकते हैं, थोड़ा घूम के आ सकते हैं, ये बिल्कुल आपको ऑप्शंस मिलेगा। बीच साइड में कोई भी नाइट लाइफ शेक इस दौरान नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि बीच साइड में हमको रेस्टोरेंट एरिया पब वगैरह ऐसा मिलेगा क्या, बीच फ्रंट होटल में जो कॉटेजेस वहाँ पे स्टे करना चाहिए क्या। देखिए इस दौरान ज़्यादा जो बीच फ्रंट कॉटेजेस होता है, वुडन कॉटेज, ये बंद रहता है क्योंकि हवा तेज चलता है, पानी के जो छींटे हैं पूरा घर के अंदर तक आता है। जितना भी बीच फ्रंट कॉटेजेस वगैरह हो गया साउथ गोवा साइड में, आप अगर पालोली आगोंडे साइड में देखोगे ना, बीच फ्रंट वुडन कॉटेजेस बनाते हैं, मॉनसून के दौरान उसको रिमूव किया जाता है, रिस्क होता है, इसकी वजह से निकाल दिया जाता है। प्रॉपर होटल या फिर रिजॉर्ट में ही आपको इस दौरान स्टे करने का ऑप्शन मिलेगा। काफ़ी सारे लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं कि बीच फ्रंट हमको होटल दे दो जहाँ की रूम से निकले डायरेक्ट बीच पे चले जाए, ऐसे अभी इस दौरान आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा। अगर रहेगा तो भी वो बंद रहता है वुडन कॉटेजेस वगैरह, तो प्रॉपर रिजॉर्ट या फिर होटल में आपको स्टे करना पड़ेगा। बाकी आप जा सकते हो, मेरा जो होटल है जैसे मैंने आपको बताया कलंगूट बागा कैंडोलिम साइड में 4 होटल है, वो 4 होटल जो है बीच साइड से 200-300 मीटर के डिस्टेंस पे है, वॉकेबल डिस्टेंस से बिल्कुल जा सकते हो। ये होटल हम लोग प्रोवाइड करते हैं पैकेज के साथ। पैकेज रिलेटेड क्वेरी रहेगा तो कॉल कीजिएगा, और बहुत ही जल्दी मेरे चैनल पे ऑफ सीजन का आप लोगों के लिए बेस्ट डिस्काउंट प्राइस में पैकेज लाने वाला हूँ। ये पैकेज के रिलेटेड आपको अगर देखना है थोड़े दिन रुक जाइएगा, वीडियो आ जाएगा और आप हमारे साथ पैकेज बुक कर सकते हो। ये हो गया बीच साइड का एक्टिविटीज़ आपको बता दिया और नाइट लाइफ बताया, और उसके बाद जितना भी नाइट मार्केट है ना इस दौरान तो ऑलरेडी बंद हो चुका है, आपको मिलेगा भी नहीं। काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि कब से सीज़न स्टार्ट होगा, नाइट लाइफ वगैरह कब से स्टार्ट होगा, जुलाई अगस्त में स्टार्ट होगा क्या। नहीं, जुलाई अगस्त में नहीं होगा, जुलाई अगस्त जो है ऑफ सीजन ही चलता है यहाँ पे। जो बीच साइड एक्टिविटी नाइट लाइफ वगैरह ये डायरेक्ट आपको अक्टूबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि इस दौरान हवा तेज चलता है, मानसून का इफेक्ट होता है, समुंदर में हाई टाइड चलता है, तो इनको लाइसेंस नहीं मिलता। लाइसेंस डायरेक्ट आपको सेप्टेम्बर 1st से लाइसेंस इनका फिर से मिलना स्टार्ट होता है, और वो लोग बनाते हैं। डिपेंड ये भी होगा वेदर के ऊपर, वेदर कैसा रहेगा, हाई टाइड कितना रहेगा, ये स्कूबा डाइविंग वगैरह उसके बाद ही स्टार्ट होता है। ज़्यादा करके हम लोग नोटिस करते हैं अक्टूबर के 1st वीक से स्लो सारे एक्टिविटीज़ वगैरह बीच साइड का स्टार्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से अब अगर सीजन के टाइम पे आना चाहते हो तो इसके हिसाब से प्लान कीजिएगा। बाकी आप चैनल में बने रहिएगा, आपको डिटेल में गाइड करूँगा आपको कैसा प्लान होना चाहिए, सीजन में कैसा क्या सिचुएशन रहेगा, डिटेल अपडेट आपको मिल जाएगा। अभी बात करते हैं जुलाई महीने में एक्टिविटीज़ कहाँ पे कौन सा एक्टिविटी चालू रहेगा। पहले एक्टिविटी अभी चल रहा है एडवेंचर बोट पार्टी, ये सितंबर महीने तक कंटिन्यू चलेगा मांडवी रिवर में। एक्टिविटी की डिटेल थोड़ा बता देता हूँ, काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है। ये एक्टिविटी में आपका पिकअप ड्रॉप रहेगा, पिकअप ड्रॉप अगेन मैं आपको बता रहा हूँ,
पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी आपको सिर्फ कलंगुट बागा कैंडोलिम से ही मिलेगा। अंदर रुक रहे हो मांद्रेम मोरजिम अरम्बोल या फिर साउथ गोवा में रुक रहे हो तो पिकअप पॉइंट तक आपको आना पड़ेगा, वहाँ से आपको पिकअप ड्रॉप नहीं मिलेगा। बागा कलंगुट में रुक रहे हो वहाँ से हमारा बस पिकअप करेगा, लेके जाएगा एक्टिविटी के जेटी पॉइंट तक, वहाँ से क्रूज में आपको ट्रांसफ़र करेंगे, फिर बोट क्रूज आपको लेके जाएगा मांडवी रिवर में दीवार आइलैंड के साइड, वहाँ पे आपका एक्टिविटी होता है। 5 वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जेट स्की, बनाना, बम्पर, स्पीड बोट और कायाकिंग, ये 5 एक्टिविटी आपको कराएंगे। इसमें आपका लंच होगा, बफेट लंच, गोवन स्टाइल लंच रहेगा। इसमें ड्रिंक्स रहेगा, सॉफ्ट ड्रिंक और बियर का ऑप्शन रहेगा, ये आप एंजॉय करोगे। डीजे म्यूजिक पार्टी चलता है, ये भी एंजॉय करके शाम को 6 बजे तक आपको ड्रॉप करते हैं। ये एक्टिविटी मानसून के जो सीज़न रहेगा इस दौरान चालू रहेगा, ये सितंबर तक रहेगा। उसके बाद आपको और एक जो ऑप्शन है नाइट लाइफ का, बहुत सारे लोगों का क्वेरी रहता है कि नाइट लाइफ हमको कहाँ पे मिलेगा। क्रूज़ पे नाइट लाइफ जो डीजे म्यूजिक पार्टी, डिनर क्रूज़ पार्टी आप एंजॉय कर सकते हो। डिनर क्रूज़ पार्टी में अगेन आपका पिकअप ड्रॉप इंक्लूड रहेगा, बफेट डिनर रहेगा, ड्रिंक्स रहेगा, डीजे म्यूजिक पार्टी, हमारे साइड से कुछ गोवन लोकल फोक डांस हम लोग परफॉर्म करते हैं, आपको ऑप्शन देते हैं। आप अगर कपल में है तो कपल डांस होता है, ग्रुप डांस होता है, उसके बाद डीजे म्यूजिक पार्टी चलता है। बच्चे लोग हैं तो बच्चे लोगों के लिए डांस परफॉर्मेंस, कुछ एक्टिविटीज़, गेमिंग एक्टिविटीज़ वगैरह कराते हैं। ये क्रूज़ में आपका चलता है कि बहुत सारे लोगों का बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होता है, क्रूज़ में सेलिब्रेट करना बिल्कुल आप कर सकते हो। केक आपको लेके जाना होता है, वहाँ पे हम लोग अनाउंस कर देंगे, आप केक कटिंग सेरेमनी वगैरह क्रूज़ पे भी कर सकते हो। ये आपके पास ऑप्शंस रहेगा क्रूज़ में। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग डिनर क्रूज़ में जाते हैं, अगर मौसम ऐसा रहेगा, क्लियर मौसम रहेगा तो आपको ओपन डेक का ऑप्शन मिलेगा। अगर मौसम बारिश का रहेगा, बादल रहेगा, फिर बारिश गिर रहा होगा तो ओपन डेक क्लोज होता है। नीचे उनका ग्राउंड फ्लोर में क्लोज डेक जो होता है वहाँ पे सारे परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो ब्रोशर्स वगैरह है, इनका जो डिनर क्रूज़ का ब्रोशर्स है, इन्फॉर्मेशन है, ये सारे नॉर्मल सीजन के हिसाब से रहता है, वही ब्रोशर्स हम लोग अब लोगों को भेजते हैं बुकिंग के लिए, और उसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। डिपेंड ऑन वेदर और सिचुएशन के ऊपर आपको ओपन डेक मिलेगा नहीं मिलेगा, ये डिपेंड होगा उस टाइम के सिचुएशन पे, ठीक है। ये हो गया आपका डिनर क्रूज़। क्लब और नाइट पार्टी आपको कहाँ कहाँ पे मिलेगा? बीच साइड में काफ़ी सारे इंडोर क्लब्स है, कलंगुट बागा साइड में जाओगे काफ़ी सारे इंडोर क्लब्स है। ये इंडोर क्लब्स में म्यूजिक चलता है, फूड वगैरह चलता है, एंजॉय कर सकते हो। मेरे ख्याल से आप अगर टिटोस लेन में जाओगे तो मेम्बोस इंडोर है उसका, वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। द वाइट गोवा, एलिफेंट और उसके बाद माया, इनका इंडोर क्लब है। इनका कुछ क्लब इस दौरान भी चालू रहेगा, कुछ क्लब बंद होता है क्योंकि क्राउड कम रहते हैं तो मेंटेनेंस में काफ़ी सारी चीज़ें जाता है तो वो लोग बंद रखते हैं मानसून में, फिर से अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। तो इस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। नाइट लाइफ बहुत लिमिटेड होगा। बाकी लास्ट में आपको रेंटल का मैंने आपको बताया नहीं, रेंटल अभी इस दौरान सस्ता हो जाता है, 250-300 तक भी आपको स्कूटी और गियर बाइक 600-700-500 में भी आपको मिलेगा। बाकी जो आपका कार, आप अगर नॉर्मल कार ले रहे हो 1200-1500 के प्राइस रेंज में कार रेंटल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था जुलाई महीने का कंप्लीट टूर प्लान गाइड आपको बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। आई होप अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।